हाँ जी दोस्तों, हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो हमने यहाँ पर देखा, एक अनोखी सी चीज़ देखी, तो हम यहाँ पर रुके। कुछ लोग यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पर एक जहाज़ है जो क्रैश हुआ है, लेकिन जब हम मुरथल से पहले आते हैं तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है, हवाई अड्डा। वही कंसेप्ट सेम जो है हमारे जम्मू कश्मीर में, खुद से थोड़े से कोई 3-4 किलोमीटर नीचे यहाँ पर यही सेम कंसेप्ट आ चुका है। तो देखिए आप भी। तो दोस्तों, ये है वो हवाई अड्डा जो भी एक पुराना जहाज़ था। इस जहाज़ को हमने तकरीबन 2 महीने पहले लखनपुर के पास देखा था, तो हमें नहीं पता था कि ये यहाँ पर आएगा। तब इसका सिर्फ जो मेन ढांचा था, इसके पर नहीं थे। तो ये पहुँच चुका है जम्मू में, अभी ये यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है पूरा। तो ये जैसे मुरथल के पास एक हवाई अड्डा रेस्टोरेंट है, सेम ये भी वैसे ही बनेगा। तो अभी ये प्रिपेयर हो रहा है। और ये सामने छोटा सा एक हादसा हो गया, ये देखिए, देख जहाज़ देखते देखते ये लोंडे नीचे गिर चुके हैं। ये देखिए, शुक्र करो ये बच गए, सड़क के इस तरफ गिरे। अगर ये गिरते सड़क के उस तरफ तो इनका क्या बनता। और ये आपस में ही हंस रहे हैं, शाबाश। तो ये देखिए आप दोस्तों, ये जो है ड्रीम प्रोजेक्ट। तो ये हवाई अड्डा रेस्टोरेंट बनेगा, अभी ये तैयार होगा पूरा, इसको काफ़ी टाइम लगेगा, इसकी ब्रांडिंग होगी, तो आप लोग भी इसका आनंद ले सकेंगे। तो पार्किंग भी बनेगी, काफ़ी बड़ा एरिया, मैं आपको दिखा दूं पीछे पूरा एरिया। तो फिलहाल यहाँ पे उन्होंने बाउंड्री वॉल लगाई है, मना किया हुआ है कोई भी अंदर ना जाए। ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे रेस्टोरेंट वालों के पास है। जल्दी ये रेस्टोरेंट बन के तैयार हो जाएगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लंबा प्रोजेक्ट है। पर इसके तकरीबन अभी जुड़े हैं ये दोनों पर थे, जो उसके विंग्स हैं ये। तो अभी इसको इसके लिए ये बनाया था नीचे इन्होंने, जो पोल देख रहे हैं आप जो बने हुए हैं, 3 थड़े, ये थड़े अभी बने हैं, तो अभी इस पर खड़ा किया गया इसको। तो जम्मू वाले तैयार हैं ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए, जो रेस्टोरेंट बनेगा हवाई अड्डा, यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, लुत्फ ले सकते हैं। कीप सपोर्टिंग सरदार जी ब्लॉग्स, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग सरदार जी ब्लॉग्स, थैंक यू।